हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और ये हम लोग क्लास 9th का वर्क पावर एंड एनर्जी का चैप्टर जो देख रहे थे, उसमें हम लोग ने देखा था कि किस तरह से वर्क का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था W = FS cos θ, और थीटा का अलग अलग हम लोग ने केस देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ चीज देखने वाले हैं कि जो हमारे स्कूल में डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ रहेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग वर्क डन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क या वर्क डन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला से हम लोगों ने देखा था कि W = जो था हमारे पास वो क्या था, FS cos θ, जहां पे F हमारा क्या हुआ करता था, फोर्स हुआ करता था, और S हमारा डिस्प्लेसमेंट, और थीटा यानी कि एंगल, और कॉस को कोसाइन बोलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा क्या, फोर्स। ठीक है, फोर्स है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क। सेकेंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क मिलेगा हम लोग को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड फैक्टर है हमारा कोसाइन ऑफ, ठीक है, कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द थीटा एंगल हुआ, और कॉस थीटा यानी कोसाइन हुआ, साइन थीटा यानी कि साइन हुआ, तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा का इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से होगा, 0 डिग्री होगा तो W मैक्सिमम होगा, वर्क मैक्सिमम होगा हमारा F into S के इक्वल। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो cos 90 0 यानी कि 0 वर्क होगा हमारा, और अगर थीटा 180 होता है तो हमारा निगेटिव वर्क या मिनिमम वर्क बोल सकते हैं -F into S के बराबर होंगे। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा वर्क मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट जितना कम उतना ज्यादा वर्क कम मिलेगा वर्क। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स नहीं बल्कि इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये तीन फैक्टर है, जिन तीनों फैक्टर पे हमारा वर्क डन क्या होता है डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा कि जीरो वर्क हमको कब कब मिलता है, हम लोग को जीरो वर्क कब कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि W का फॉर्मूला ही है हमारा FS cos θ, यानी कि फोर्स अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो पहला कि अगर फोर्स इज नॉट अप्लाई तो जीरो वर्क हमको कब कब मिलेगा, इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर फोर्स हमारा अप्लाई नहीं। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जब इस पर हम लोग इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये बोर्ड पीछे नहीं जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा केस कि इफ θ = 90 डिग्री, यानी कि अगर द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में हमारा वर्क जो होगा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि W = FS cos 90 और cos 90 जीरो होता है हमारा। तो ये केस हमारे स्कूल में ज्यादातर इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जब एक कूली अपने सर पे कुछ कैरी लेके जाता है, जब, ठीक है, जब कोई भी सामान अगर वो लोड कैरी करता है तो उसके द्वारा किया गया वर्क हमारा जीरो कंसिडर किया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कूली है, ठीक है, ये एक कूली है, इसके ऊपर कोई लोड मतलब लगा हुआ है, तो ये लोड जो होगा, ये इसका जो mg वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या लगेगा, नीचे लगेगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग देखे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता है, सॉरी ग्रेविटेशनल पुल लगता है m × g के बराबर। लेकिन अगर ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये x डायरेक्शन में चल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई कहाँ हो रहा है, यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट ये चल कहाँ रहा है, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में कितना एंगल है, 90 डिग्री है।
तो वर्क डन बाय द कुली इज जीरो, ठीक है। तो अब यहां ये नहीं करेंगे कि वर्क तो जीरो है तो कुली को पैसा नहीं देंगे, ये वाला कंसेप्ट हम लोग नहीं यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। पता चले आप लोग कुली को फिजिक्स पढ़ाने लगे, ठीक है। रियल लाइफ में थोड़ा सा वर्क यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। वहां पे कुली को पैसा देना है, ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक। अब मार्केट में जहां जहां कुली होगा उसके द्वारा किया गया वर्क हमेशा जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का फोर्स लगाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस में जीरो है तो एक सवाल तो यहां से आ रहा है कि कुली के द्वारा जीरो, कुली के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अच्छा, अगर हम लोग एक केस और देखना चाहें, अगर हम लोग एक केस और देखना चाहें, अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल का क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अगर पार्टिकल पूरे सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ए से स्टार्ट किया और फिर पार्टिकल स्टार्ट होके यहीं ए पर आया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है हमारा और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो, जीरो हो गया। तो इस केस में भी हमारा क्या हो गया, नो वर्क हुआ, जीरो वर्क हुआ। अच्छा, अब चलिए, अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे कर दे कि जब पार्टिकल यहां से यहां आया तब आप रीजन दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्या कहेगा, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट ये कहता है कि एट द सेंटर पर, एट द सेंटर पर जब कोई पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहां से कोई मूव कर रहा है, आर रेडियस है अगर हमारे सर्कल का जिस पर वो मूव कर रहा है, तो यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है एमवी स्क्वायर बाय आर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब इस पार्टिकल को जहां भी हम लोग को वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, जहां भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अगर पॉइंट वन पे चाहिए वेलोसिटी तो वी वन इसको बोल देंगे टेंजेंट ड्रॉ करके, अगर हम यहां टेंजेंट चाहिए तो यहां पर वेलोसिटी चाहिए तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसको वी टी बोल दिए, क्लियर। अब देखिए हर पॉइंट पे कहीं पे भी, अब आप लोग मैथ्स में थोड़ा वो जानते होंगे कि सेंटर से अगर टेंजेंट पर, ठीक है, सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई एंगल अगर हम लोग मेजर करते तो क्या होता है, 90 डिग्री, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारा, जीरो है, यानी कि इधर फोर्स लग रहा है एमबी स्क्वायर बाई आर और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पार्टिकल का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां पर थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो ये कंसेप्ट भी आप लोग दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस समय पार्टिकल पूरा मूव कर चुका है, पार्टिकल स्टार्ट भी किया है तभी भी उसको क्या करेंगे हम लोग, थीटा 90 का रीजन देके और बता सकते हैं। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसा पूछा गया, अगर डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया गया तो एस इज इक्वल टू जीरो, और अगर इसका दिया गया सर्कुलर मोशन का तो थीटा 90 करके हम लोग जीरो वर्क को समझते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं वर्क जिस पर डिपेंड करता है, और किन किन केस में हम लोग वर्क डन जो होगा वो जीरो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जीरो पॉजिटिव वर्क का तो एग्जाम्पल ढेर सारा है, कोई भी चीज को अगर हम बुक को पुश कर रहे हैं तो फोर्स भी उधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, थीटा जीरो है तो वो एफ इन टू एस होगा क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ये तो पॉजिटिव वर्क का ढेर सारा एग्जाम्पल है। निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल एक हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ज्यादातर जीरो वर्क पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग जीरो वर्क का पढ़ाई करते हैं, लेकिन निगेटिव वर्क का कैसे होता है बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसके सरफेस में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट, अगर इसके सरफेस में हमारा फ्रिक्शन प्रेजेंट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर इधर फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इधर फोर्स अप्लाई करके खींच रहे हैं तो इस फोर्स को अपोज करेगा हमको ये जो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहां अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां अप्लाई होगा, वहां अप्लाई होगा, ये हमारा इस तरह से टेंजेंशियली लगता है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब चलिए, फोर्स फ्रिक्शनल यहां लग रहा है
अच्छा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम लोग ये लगा रहे हैं, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग ओवरकम कर जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इधर डिस्प्लेस करेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर डिस्प्लेस किया, तो मान लीजिए सेकेंड पोजिशन अगर यहां आया, ठीक है, फर्स्ट पोजिशन ये हुआ, सेकेंड पोजिशन ये हुआ, तो अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हमारा शो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये, तो वर्क डन अगर उस फोर्स के द्वारा कुछ वर्क किया जा रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा भी कुछ वर्क किया जा रहा है। इस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो स्मॉल एफ इन टू एस मिलेगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉल एफ इन टू एस, और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, जो हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है, वो कैपिटल एफ इन टू एस। तो एफ यहां और एस यहां, तो इस दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट, पैरेलल है तो जीरो, अपोजिट है तो 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं, थैंक यू।